नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। रूस से हमले के खतरे का सामना कर रहे यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एयर इंडिया ने आज घोषणा की कि वह इस महीने भारत और यूक्रेन के बीच 3 वंदे भारत मिशन उड़ानें संचालित करेगी। भारत से यूक्रेन के लिए 256 सीटों वाली बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ाने भेजी जाएंगी, जिसका स्केड्यूल 22, 24 और 26 फरवरी को निर्धारित किया गया है। यूक्रेन से भारत आने वाले नागरिक एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिसों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग शुरू कर सकते हैं। बता दें कि भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय ने दोनों पक्षों की तरफ से किए गए एयर बबल समझौते के तहत भारत और यूक्रेन के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या संबंधी बैन हटा दिया है, ताकि पूर्वी यूरोपीय देश से भारतीय अपने देश आ सके। यूक्रेन में 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से 18,000 भारतीय छात्र हैं। ये छात्र मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को ही भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों को स्वदेश लौटने की सलाह दी गई थी। दूतावास ने बयान जारी कर कहा था कि जिन भारतीयों और छात्रों का यहां रहना जरूरी नहीं है, वो अपने देश लौट जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सोवियत राज्य यूक्रेन अपने पड़ोसी रूस की ओर आक्रमण के डर से सतर्क हो गया है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों, टैंकों और फाइटर हेलीकॉप्टरों की संख्या को बढ़ा दिया था। हालांकि रूस ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन के सीमाई क्षेत्रों से अपने टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को वापस बुला रहा है, जबकि रूसी मीडिया का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन ने विद्रोहियों पर वहां की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार दागे हैं, जो मिन समझौता का उल्लंघन। धन्यवाद।